अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जियोग्राफिया का, क्लास सेवन का, उरेयांकारी डेनोटेशन। सबसे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। तारीफ क्या है? जमीन की बालाई सतह के टूटने फूटने और उसकी जेरे हिस्सों की सतह जाहिर होने को अमले उरेयांकारी कहते हैं। बालाई क्या मतलब? ऊपर वाली सतह, मतलब ऊपर वाली सतह हिस्सा, उसका टूटना फूटना और उसके जो जेरी यानी जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी सतह का जाहिर होना अमले उरेयांकारी कहलाता है। ये देखें, पहाड़ है, ये जमीन की सतह है, ये जमीन की सतह है, ये पहाड़ की सतह, दोनों ऊपरली सतह है। क्या होता है? पहाड़ की जो ऊपर वाली सतह है इसका मुतासिर होना और जमीन की ऊपर वाली सतह का मुतासिर होना उरेयांकारी कहलाता है डिनोटेशन। मुतासिर कैसे होता है? बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहली वजह क्या है? अमले फरसूदगी। अमले फरसूदगी जो मुतलकन वो है चट्टानों का टूटना, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से टूटती हैं, सूरज की वजह से, सूरज की तपश है, फॉर एग्जाम्पल सूरज है, इसके ऊपर तपश पड़ती है दिन के अंदर, तपश पड़ने की वजह से ये क्या हो जाती है? सुकड़ती हैं चट्टाने। और रात के अंदर जब इसके ऊपर पाला पड़ता है, जब इसके ऊपर शबनम गिरती है या रात के अंदर बर्फबारी जो यानी बर्फ वगैरह अगर जमती है ठंड की वजह से, तो दिन में जो है सुकड़ती है, सॉरी फैलती है, और रात के अंदर जब सुकड़ती है तो इस अमल की वजह से क्या होता है? पहाड़ की जो चोटी है या जमीन की जो सतह है वो क्या होना शुरू हो जाती है? मुतासिर होना शुरू हो जाती है। जानवरों की वजह से मुतासिर होती है, जानवरों ने अपना घर बनाया है, बिल्ले वगैरह हैं उनकी, उनका जमीन को पहाड़ की सतह को खोदना, खोदने की वजह से इसके अंदर जब दरारें पड़ती हैं, जब वो इसके अंदर अपना गुजर बसर करते हैं, रहते हैं, उसकी वजह से इसकी जो चोटी है ये मुतासर होना शुरू हो जाती है, ये टूटती है, ये क्या कहलाती है? ये अमले फरसूदगी। इसकी फिर तीन किस्में हैं, तभी मैकेनिकी, कीमियाई अमले फरसूदगी और नामियाती। तभी मैकेनिकी में यही है कि ग्लेशियर जो है इसके ऊपर जमते हैं, छह माह ग्लेशियर जमे, अगले छह माह जो है वो सही की गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने की वजह से क्या हुई? बर्फ जो है वो पिघलना शुरू होगी, पिघलने की वजह से जो चट्टान है ये कमजोर होगी, कमजोरी की वजह से ये चट्टान ने का जो है टूटना फूटना, इसकी बालाई सतह का टूटना फूटना क्या हुआ? अमले उरेयांकारी, जिसकी पहली किस्म अमले फरसूदगी है। दूसरी क्या है? कीमियाई। आमतौर पर होता क्या है कि इन चट्टानों के अंदर बहुत सारी ऐसी कीमियाई मादनियात जो है वो मौजूद होती हैं। इन कीमियाई मादनियात की बुनियाद के ऊपर जब इसके ऊपर शबनम, बारिश या ग्लेशियर वगैरह जब इसके ऊपर असरअंदाज होता है, तो ये केमिकल जो है, केमिकल के अंदर मुख्तलिफ गैसेस जो है वो बनना शुरू कर देती हैं, और उन गैसेस की वजह से, उन केमिकल्स की वजह से ये चट्टान जो है मुतासिर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तभी मैकेनिकी जो है, सॉरी कीमियाई अमले फरसूदगी जो है वो जन्म लेती है और ये पहाड़ या जमीन की सतह जो है मुतासिर होना शुरू हो जाती। उसके बाद है नामियाती या हयातियाती। पहाड़ों के ऊपर दरख्त होते हैं, जब दरख्त पहाड़ों के ऊपर उग रहे होते हैं तो इनकी जड़ें जो हैं, इनकी जड़ें पहाड़ों के अंदर अपना घर कर लेती हैं और इस पहाड़ को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती हैं। इस खोखले करने की वजह से पहाड़ की चोटी या जमीन की सतह जो है ये मुतासिर होती है। और जमीन की सतह कैसे मुतासिर होती है? समंदर की लहरें जो हैं या तो जमीन का रास्ता रोक देती हैं, फॉर एग्जांपल समंदर जो है जगह घेर लेता है तो ये जमीन का कटाव का अमल शुरू हुआ, या जमीन का जो जमीन है समंदर को छोड़ देता है जिसकी वजह से वो डेल्टा का इलाका कहलाता है और वहां पर कोई जो है ना गुजर बसर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये अमले फरसूदगी इसकी पहली किस्म थी, जिसकी तीन अकसाम आगे मैंने आपको बयान किए हैं। इंशाल्लाह आगे अमले कटाओ
और तोदीजिया। इसकी मजीद दो अगर दो किस्में हैं इंशाल्लाह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।